अब हम लोग देखेंगे कि जो वाइंडिंग मशीन का वाइंडिंग है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे कि उसको का टेम्परेचर हमको मेजर करना है। सबसे पहले होगी कि थर्मामीटर मेथड, ठीक है। दूसरा हो गया एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड, तीसरा हो गया रेजिस्टेंस मेथड। ये तीनों मेथड से हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मामीटर मेथड। थर्मामीटर मेथड में क्या होता है कि जो भी वाइंडिंग है मशीन का उसके सामने हम लोग थर्मामीटर को रख देते हैं, ठीक है। तो यानी थर्मामीटर का बल्ब को डायरेक्टली प्लेस करती है वाइंडिंग में। तो क्या होता है कि जब मर्करी लेवल थर्मामीटर का, तो हम लोग जानते हैं कॉन्स्टेंट रहता है, तो उसके अनुसार हम लोग को रीडिंग मिलेगा और वही रीडिंग को हम लोग उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और उससे पता चल जाएगा, वह डायरेक्टली बता देगा कि वह वाइंडिंग टेम्परेचर ये इतना है, ठीक है। दूसरा मेथड में क्या होता है कि कुछ थर्मोकोल को एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ थर्मोकोल को स्टेटर में फिट कर देते हैं, ठीक है। और तो क्या होता है कि मशीन कुछ EMF हम लोग को प्रोवाइड करता है और यही EMF हम लोग का यूज करके हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। यानी कि इस मेथड से एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड से डिटेक्ट करके मेजरमेंट किया जाता है। थर्मोकोल थर्मामीटर मेथड में हम लोग देखते हैं लिखना कैसे। इसमें ये लिखना है कि इन दिस मेथड में थर्मामीटर बल्ब इज डायरेक्टली प्लेस्ड इन द वाइंडिंग, मतलब जो मशीन है उसका जो वाइंडिंग है जिसको हम लोग को टेम्परेचर मेजरमेंट करता है उसमें डायरेक्टली हम लोग प्लेस करते हैं। जब व्हेन मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर विल बी कॉन्स्टेंट, मतलब थर्मामीटर में मर्करी लेवल अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हम लोग का नोट कर देना। देन इट्स रेटिंग विल बी नोटेड दैट डायरेक्टली गिव द वैल्यू ऑफ वाइंडिंग टेम्परेचर, और डायरेक्टली दे देगा वैल्यू हम लोग को क्या होगा वाइंडिंग टेम्परेचर का। अब क्या होगा दूसरा एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड। एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं कि इन दिस मेथड में सम थर्मोकोल्स विल बी फिटेड इन द स्टेटर, मतलब स्टेटर में थर्मोकोल को कुछ थर्मोकोल को हम लोग फिट कर देंगे, वो प्रोवाइड करेगा कुछ EMF, ठीक है। इसका EMF का उपयोग हम लोग करेंगे टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए। तीसरा मेथड है रेजिस्टेंस मेथड। रेजिस्टेंस मेथड कहने का मतलब आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है आर हॉट बटा आर नॉर्मल बराबर टी हॉट बटा टी हॉट प्लस 235 डिग्री बटा टी नॉर्मल प्लस 235 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब इसमें जो आर हॉट और आर नॉर्मल है उसको वोल्ट एमीटर मेथड से पता कर चल जाएगा, ठीक है। और बात रहा कि टी नॉर्मल को हम लोग को पता रहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है वो चीज़, तो जो टी हॉट है ये रिलेशन से हम लोग को पता चल जाएगा क्योंकि आर हॉट और आर नॉर्मल हम लोग वोल्ट मीटर मीटर से पता चल जाएगा। टी नॉर्मल हम लोग को पता है, टी हॉट ये रिलेशन से हमें निकाल लेना है। तो ये रेजिस्टेंस मेथड ये इस तरह से करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड में वी हैव द फ्लोइंग रिलेशन टू डिटरमाइन द वाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ द मशीन, ठीक है। देखिए ये रिलेशन दे दिया, बाय यूजिंग वोल्ट मीटर मीटर वी कैन डिटरमाइन आर हॉट एंड आर नॉर्मल इजिली एंड टी नॉर्मल इज ऑल्सो नाइन। टी नॉर्मल हम लोग को पता रहता है जो रूम टेम्परेचर होता है। दस बाय यूजिंग इक्वेशन वन वी कैन डिटरमाइन टी हॉट ऑफ द मशीन वाइंडिंग, यानी कि इस रिलेशन से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे।